प्रिय छात्रों, व्यवसाय का अध्ययन कक्षा 11वीं में उद्यमता का विकास अध्ययन के अध्याय के अंतर्गत हम आज बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। सामान्य तौर पर हम जैसे उद्यमता से तात्पर्य यहाँ पर जो है कि एक व्यक्ति अपने प्रयास से नव सृजन जो व्यवसाय व्यापार व्यवसाय उद्योग में करता है उद्यमता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है संपदा दो प्रकार की होती, जैसे कि एक भौतिक और दूसरी बौद्धिक। भौतिक संपदा की सहायता से जो है मनुष्य उनका यूज करके उपयोग करके जो है व्यापार व्यवसाय के माध्यम से लाभ कमाता है। वहीं बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा मनुष्य की वह मानसिक शक्ति या विचार है जिससे वो नव सृजन करता है। प्रत्येक सृजन जो है वो का आविष्कार एक विचार से होता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य की एक सोच होती है, एक विचार होती है, जिसके माध्यम से वो अपनी उस सोच के माध्यम से, अपने उस विचार के माध्यम से उत्पादन को संभव बनाता है। और ये विचार जब वास्तविक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो वह बौद्धिक संपदा बन जाता है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों के उनके मस्तिष्क की सृजनता को अधिकार प्रदान करता है, जिसमें सृजनकर्ता को उसके उत्पाद या सृजन का एक निश्चित अवधि तक उपयोग करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। तो किसी व्यक्ति की विचार जो है उसकी कल्पनाशीलता से जो उसका विचार है, जो उसका सृजन है, वो अपना सृजन अपने अधिकार को जो है एक निश्चित अवधि तक उपयोग करने के लिए किसी दूसरे को सौंपता है। तो वो जो उस व्यक्ति का मानसिक सृजन है उसका उपयोग दूसरा व्यक्ति करता है। तो जिस प्रकार से भौतिक संपदा का स्वामी होता है, उसी प्रकार से बौद्धिक संपदा का भी अपना स्वामी होता है, जो स्वयं इसका उपयोग करता है या किसी अन्य को बेचकर या किराए पर देकर भौतिक संपदा को प्राप्त कर सकता है। ये बौद्धिक संपदा अधिकार से आशय। अब यहाँ पर भौतिक संपदा क्या है, बौद्धिक संपदा, इनमें हम अंतर देखेंगे। तो भौतिक संपदा जो होता है वो मूर्त रूप में होता है, अर्थात जो सामने प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता है, जबकि बौद्धिक संपदा जो है वो क्या होती है, अमूर्त रूप में होती है, ये सामने हमें नहीं दिखती लेकिन हम इसका उपयोग करते हैं। फिर भौतिक संपदा जो है वो विभाजनीय होती है, अर्थात भागनीय होती है, इसको हम विभिन्न पार्ट में अलग अलग बांट सकते हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा जो है वो अविभाजनीय होती है, अर्थात ये भागनी नहीं होती, इसके भागों को हम बांट नहीं सकते। फिर भौतिक संपदा की सीमा निर्धारित करके उसकी सुरक्षा हेतु हम सुरक्षाकर्मी रख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रत्यक्ष मूर्त रूप की जो संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा हेतु हम सुरक्षाकर्मी रख सकते हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा में ऐसा करना या सीमा निर्धारण करके सुरक्षा करना संभव नहीं है। फिर भौतिक संपदा के उपयोग की एक सीमा निर्धारित होती है, अर्थात भौतिक संपदा जो है यूज जो हम करते हैं, जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर जो है, इनका हम एक सीमा तक निर्धारण कर सकते हैं, जबकि बौद्धिक संपदा को जो है समाप्त किए बिना असीमित व्यक्ति जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति के जो मानसिक सोच है, जो बौद्धिक उसकी विचार है, उसका उपयोग जो है बहुत सारे लोग, असीमित व्यक्ति लोग जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, और वो बौद्धिक संपदा कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो ये भौतिक संपदा और बौद्धिक संपदा में अंतर है। फिर इसके जो लक्षण हैं या प्रकृति, बौद्धिक संपदा जो है सीमा क्षेत्र, इसका प्रयोग जो है दूसरे देशों में भी किया जा सकता है, अर्थात एक व्यक्ति एक स्थान पर बैठा हुआ है और इसका जो है इसकी वैचारिक सोच का उपयोग जो है दूसरे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति कर सकता है। फिर स्वामी का अधिकार, बौद्धिक संपदा में स्वामी के अतिरिक्त कोई अन्य पक्ष उसकी स्वीकृति के बिना बौद्धिक संपदा को प्रयोग करने का अधिकार नहीं रखता, अर्थात जब तक बौद्धिक संपदा के स्वामी से उसको प्रयोग बौद्धिक संपदा को प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो उसका उपयोग नहीं कर सकता। फिर स्वतंत्रता की बात करें, अधिकांश दशाओं में बौद्धिक संपदा अधिकार इसके उद्देश्यों में सन्निहित होते हैं, और विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकार समान उद्देश्यों में कायम रहते हैं। फिर आवंटित बौद्धिक संपदा चूंकि एक अधिकार है, अतः इसे आवंटित लाइसेंस या किराए पर दिया जा सकता है। बौद्धिक संपदा एक प्रकार का अधिकार है जिसमें
अर्थात एक व्यक्ति अपनी सोच अपना विचार जो है वो किसी दूसरे को किराए पर या लाइसेंस पर या उसको आवंटित कर सकता, उसको दे सकता है। फिर अविभाज्य अर्थात ये विभाजनीय नहीं है, इसकी अविभाज्य प्रकृति के कारण बौद्धिक संपदा एक ऐसा संसाधन होता है जो क्षीण या समाप्त नहीं हो सकता। जैसा कि अभी अंतर में हमने देखा था कि भौतिक संपदा की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, एक समय पश्चात वो समाप्त हो जाती है, लेकिन बौद्धिक संपदा जो है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के विचार जो हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, तो ये इसकी विशेषता है। अब हम देखें भारत में बौद्धिक संपदा के जो प्रकार हैं या क्षेत्र हैं, तो बौद्धिक संपदा अधिकार सृजनकर्ता के वैधानिक अधिकार होते हैं जो कि उसकी वस्तु या सृजन के अन्य लोगों द्वारा प्रयोग से कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। तो सृजनकर्ता का ये क्या है, बौद्धिक संपदा उसका एक वैधानिक अधिकार है, और यहाँ पर जो वस्तु या सृजन से अन्य लोगों द्वारा जो उसको कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होता है। यहाँ कानूनी संरक्षण की आवश्यक है कि उसकी वस्तु या सृजन जो है मौलिक या अनूठी होनी चाहिए। भारत में जो है हम विभिन्न प्रकार की बौद्धिक संपदाओं को देखते हैं, जैसे नंबर एक है कॉपीराइट। कॉपीराइट से तात्पर्य यहाँ पर जो है कि किसी कवि लेखक या साहित्यकार उनकी जो प्रतियां जो उन्होंने साहित्य लिखा हुआ है उसकी नकल करने का जो अधिकार है वो सृजनकर्ता के द्वारा दूसरे को दिया जाता है। तो कॉपीराइट से आशय जो है कृति की नकल न कर पाने के अधिकार से होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी लिखी हुई पुस्तक की या अपने लिखे हुए विचार की प्रति की यदि कॉपीराइट करा लेता है तो जब तक उसके द्वारा सहमति नहीं होगी तब तक अगला व्यक्ति जो है उसकी विचार का जो उसकी साहित्य है उसका उपयोग वो नहीं कर सकता। यहाँ पर ये अधिकार जो है सृजनकर्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि यदि नाटक लिखने वाला व्यक्ति है जो लेखक है जब तक वो अपने नाटक को नाट्य रूपांतरित करने का अधिकार किसी को नहीं दे सकता तब तक कोई भी निर्देशक डायरेक्टर जो है उसका उपयोग नहीं कर सकता। वह अन्य को विषय सामग्री के अनाधिकृत अधिकार उपयोग को रोक सकता है, कॉपीराइट कहलाता है। अब कॉपीराइट में जो होता है इसका पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं होता किंतु विवाद से बचने के लिए ऐसा कराना उचित है, अर्थात पंजीकरण करा लेना चाहिए। तो कॉपीराइट में जैसे हम देखते हैं विभिन्न साहित्यिक रचना हो गई, साहित्यिक पुस्तकें हो गई, पाठ्य पुस्तकें हो गई, नाट्य रचना हो गई, संगीत रचना यदि कोई संगीत वगैरह की रचना की है, फिर कलात्मक रचना हो गई कोई मूर्ति वगैरह डिजाइन वगैरह, चलचित्र रचना हो गई, सिनेमा वगैरह और ध्वनि रिकॉर्डिंग आदि आते हैं, तो ये सब कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। कॉपीराइट से तात्पर्य यहाँ पर जिसमें सृजनकर्ता जो है अपने द्वारा सृजित की गई रचना को जो है जब तक वो नहीं चाहता कि कोई और उससे अधिकार प्राप्त उपयोग करने का नहीं पा सकता तो वो कहलाता है कॉपीराइट। इसके बाद हम देखें ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक विशिष्ट पहचान होती किसी वस्तु की जिसके माध्यम से हम उस वस्तु के बारे में जानते हैं। तो एक ऐसा शब्द लोगो या प्रतीक या वाक्यांश है जिसका उपयोग कोई व्यक्ति कंपनी या संगठन अपने उत्पाद को अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग पहचान करने के लिए करते हैं। तो ट्रेडमार्क क्या है, जो उस शब्द के माध्यम से या उस प्रतीक या लोगो के माध्यम से जो है हम उस वस्तु की पहचान करते हैं। ट्रेडमार्क में जो है पंजीकरण कराया जा सकता है जिसके माध्यम से वह अपने ट्रेडमार्क का उपयोग ना करने के लिए अन्य को प्रतिबंधित कर सकता है। ट्रेडमार्क में जो है विभिन्न आकृतियां, ध्वनियां, सुगंधों और रंगों को भी ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है, तो वो कहलाता है ट्रेडमार्क। फिर भौगोलिक संकेत की बात करें यदि हम, तो भौगोलिक संकेत क्या है, जो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वस्तु को अपनी एक पहचान दिलाते हैं, जैसे कि सीहोर का गेहूं या आसाम की चाय। अर्थात यहाँ इससे आशय यह स्पष्ट होता है कि वो जो वस्तु है वो वस्तु एक भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखती है। तो इससे आशय एक ऐसे संकेत से होता है जो वस्तुओं की पहचान, जैसे कृषि उत्पाद हो गए, प्राकृतिक या विनिर्मित वस्तुएं एक देश के राज्य या क्षेत्र में उत्पन्न होने के आधार पर करता है। जो वस्तु जहाँ पर पर्टिकुलर उत्पन्न होती है उस क्षेत्र के आधार नाम पर वो वस्तु पहचानी
जाती है, जहां इन वस्तुओं को दी गई विशेष गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या अन्य कोई विशेषता की मानकता इसके लिए खास विशिष्ट क्षेत्र या भौगोलिक उद्गम में अनिवार्य रूप से योगदान देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोल्हापुर की चादरें, यदि चादर के बात करें हम तो कोल्हापुर की एक पहचान है कि कोल्हापुर की चादर बनती हैं, वहाँ चप्पलें बनती हैं, फिर दार्जिलिंग की चाय हो गई जैसे, फिर शिवकाशी के फटाके हो गए, कोलकाता के रसगुल्ले आदि हो गए। ये भौगोलिक संकेत के माध्यम से, उस स्थान के माध्यम से वो वस्तुएँ पहचानी जाती हैं। इसके बाद है पेटेंट। पेटेंट जो है बौद्धिक संपदा का अधिकार है जो उत्पादों के ऊपर तकनीक दर्शाने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को संरक्षण प्रदान करता है। यदि कोई किसी वस्तु का उत्पादन जो है आविष्कार करता है और उसको वो रजिस्टर्ड कराता तो वो पेटेंट कहलाता है। यहाँ पेटेंट आविष्कार को बनाकर प्रयोग करने का, विक्रय करने या निर्यात करने का अधिकार प्रदान करता है। पेटेंट के लिए आवश्यक है कि पेटेंट कैसा होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, पेटेंट में इतनी क्षमता होना चाहिए कि उसका औद्योगिक अनुप्रयोग हो सके, अर्थात उस पेटेंट की कैपेसिटी क्षमता होना चाहिए कि उससे जो है हम विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में उसका प्रयोग कर सके। इसका उद्देश्य यह है कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में आविष्कार को प्रोत्साहन देना होता है, वह पेटेंट से एक निश्चित अवधि का एकस्व अधिकार प्राप्त हो जाता है, वह अवधि पश्चात यह आविष्कार जो है सार्वजनिक संपत्ति हो जाता है। पेटेंट के अंतर्गत जो है, जब प्रथम बार पेटेंट होता है तब उसका जो है एक अधिकार प्रदान किया जाता है, और उसके पश्चात जब निश्चित अवधि तक यहाँ पर उत्पादन हो जाता है तो उस अवधि के पश्चात जो है वो आविष्कार क्या हो जाता है, सार्वजनिक रूप से सभी उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये पेटेंट अंतिम जो है यहाँ पर डिजाइन भी एक ऐसी बौद्धिक संपदा है जो वस्तुओं के दृश्य डिजाइन की सुरक्षा करता है। डिजाइन के आकार में जैसे पैटर्न हो गए, रंगों की रचना या संयोजन होता है, यह वस्तु के सौंदर्य मूल विशेषता होती है, अर्थात डिजाइन के माध्यम से हम उस वस्तु की पहचान करते हैं। तो डिजाइन एक उत्पाद, औद्योगिक वस्तु या हस्तकला का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक, दो या तीन आयामी पैटर्न का हो सकता है। तो डिजाइन का हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, पंजीयन भी होता है, वह स्वामी से लाइसेंस लेकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ प्रश्न है, बौद्धिक संपदा से क्या आशा है समझाइए, भौतिक संपदा एवं बौद्धिक संपदा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बौद्धिक संपदा के लक्षण या विशेषताओं को समझाइए, और बौद्धिक संपदा के अंतर्गत जो है निम्न को समझाइए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत और पेटेंट और डिजाइन।